नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। SYL को लेकर के विवाद लंबा है। पंजाब और हरियाणा के बीच कई दौर की बातचीत हुई और बातचीत नहीं बनी। उसके बाद हरियाणा में सियासी जो पारा है वो चढ़ने लगा, क्योंकि यहां पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जो पार्टियां बीजेपी कांग्रेस हैं वो आम आदमी पार्टी को तो घेर ही रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में और प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर पा रही है। यानी कि एक और तो जो गतिरोध है वो बरकरार है, दूसरी ओर आपसी तकरार साफ साफ दिखाई दे रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। उस पर चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और पंजाब के बीच वर्षों पुराने SYL का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर बैठक हुई। केंद्र सरकार के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की, चर्चा भी हुई, लेकिन समाधान के नाम पर फिर वही ढाक के तीन पात। एक और जहां पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने दो टूक कह दिया कि हम पानी देने की हालत में नहीं हैं, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। बैठक के बाद प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल के पास जो फॉर्मूला है वो भगवंत मान को भी दें, जिससे मसला जल्द सुलझ सके। मसला तो यही है कि जो फार्मूला उनके पास है वो पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग हैं, वो बताएंगे तो हमारे साथ जब ऐसी बैठक होती है, मीटिंग होती है, फार्मूला का सुझाव दें। अब हम इनसे फार्मूला पूछेंगे कोई कारण नहीं है, या ये अपने आप जाकर के कोई फार्मूला बताना तो जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताए। तो वही हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी केजरीवाल पर भी तंज कसा है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अपने को हरियाणा का बेटा कहते हैं, दिल्ली का अपने को कर्म भूमि बताते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आज अगर उनका थोड़ा सा भी स्नेह दिल्ली की प्रजा से है, हरियाणा से थोड़ा बहुत भी प्रेम है, तो ये अल्टरनेट चैनल अति आवश्यक है। ये तुरंत बनना शुरू होना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। तो वही हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा भी SYL के मुद्दे पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। SYL की जो बार बार बैठक कर रहे हैं वो बेमायने है। मैंने असेंबली में भी कहा था, क्यों कर रहे हैं बैठक, क्या चाहते हैं? फैसला तो हरियाणा के हक में हो चुका है SYL खोदने का, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। मैंने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, उसने फैसला किया है कि SYL खोदो और ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की, और केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में का सरकार है, इनको खुदवाना चाहिए। बैठक से क्या मतलब है, क्या मैं समझ नहीं पाया, बैठक से सिर्फ समय जो है बर्बाद करने की बात है। SYL मुद्दे पर पंजाब से बात बने ना बने, पर मुद्दे ने इस कड़ाके की ठंड में हरियाणा का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। न्यूज डेस्क, जनता TV। और चलिए चर्चा करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से, रजवंत डनीवाल इंडियन नेशनल लोकदल, और मनोज राठी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं इस बैठक का क्या मतलब है, ये बैठक क्यों हो रही है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, नहर खुदवाइए। देखिए वरुण भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तो हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, उनका लंबा राजनीति और प्रशासन का अनुभव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एडवोकेट भी हैं बाय ट्रेनिंग, लॉ की हुई है, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है कुछ समय। अगर वे इस तरह का निरर्थक सवाल उछालकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि राजनीति तथ्य और सत्य पर आधारित करना शुरू करें, लोगों को गुमराह करना बंद करें। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह मालूम नहीं है कि ये जो बैठक है ये मनोहर जी की इच्छा से नहीं हो रही, ये बैठक भगवंत मान के कहने पर भी नहीं हुई, ये बैठक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा है कि दोनों राज्य नहर बनाने का रास्ता अगर आपसी बातचीत से कुछ निकलता है तो वो निकालें और केंद्र उसमें मध्यस्थता करें। तो बैठक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्यों हो रही है,
इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए आदेश जारी किया है। गजब की बात यह है कि वो खबरें भी पढ़ते हैं, वो मीडिया पर निगाह भी रखते हैं और फिर ये कहते हैं जब कहीं पर खड़े होकर के कि बैठक क्यों हो रही है, तो फिर निश्चित तौर पर यही कहना पड़ेगा कि वो कोरी राजनीति करना चाहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हरियाणा के पक्ष में निर्णय उनके उनके शासनकाल से भी पहले आ गया था और उसके बाद पंजाब ने मामले को उलझा दिया था। पंजाब ने जल संधि रद्द करने वाला एक कानून बना दिया था, उस कानून के खिलाफ प्रेजिडेंशियल रेफरेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में पूरे 9 साल 9.5 साल वो सत्ता में रहे, उस पर एक सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कायदे से कभी पैरवी की हो इसका कोई प्रमाण ना सुना है, ना देखा गया है, ना पढ़ा गया है। तो जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, वे अगर मनोहर जी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं तो हंसी ही आएगी और यही कहा जाएगा कि खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वरुण भाई हमने सुप्रीम कोर्ट में बरसों से लंबित पड़े प्रेजिडेंशियल रेफरेंस की मजबूती से पैरवी की, इसी के कारण हमारे हक में निर्णय आया। निर्णय आने के बाद एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल की गई, यह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आदेश आ गया तो उसकी एग्जीक्यूशन की पिटीशन हमने डाली कि इसको लागू कराया जाए और उसी पर सुनवाई के दौरान बैठक की नौबत आई है। नहर बनेगी, कब बने, कैसे बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहने तो दीजिए अपनी बात, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम वो मनोहर जी नहीं कर सकते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सुप्रीम कोर्ट में अपना काम करने भी नहीं गए और हमसे कह रहे हैं कि हम ठीक है। चलो मुझे लगता है मैं आपकी बात आ गई, मैं लौटता हूं आपके पास और मेहमानों को जोड़ लूं। बजरंग दास जी मुझे ये बताइए भाई, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं इस बैठक की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसा कहकर वो गुमराह कर रहे हैं क्या भाई? बैठक तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है ना, तो बैठक तो करनी पड़ेगी। उनका कहने का तात्पर्य ये है भाई, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है, पंजाब को हरियाणा का हिस्से का पानी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए। मीटिंग तो अनेकों बार होली पहले भी मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर स्पष्ट, मीटिंग के बाहर निकलते ही अपने भगत मान जी ने बयान दे दिया था, हमारे पास पानी सरप्लस नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं पाकिस्तान का पानी रोककर देश की धरती को पानी दूंगा, हरियाणा को दूंगा, राजस्थान को दूंगा, दिल्ली को दूंगा। उन्होंने तो एक रट पकड़ रखी है, जो प्रधानमंत्री जी चुनाव के अंदर घोषणा की थी वोट लेने के लिए, चिंता ना कीजिए मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ बजरंग दास जी, क्योंकि ये वाली चर्चा कल हो चुकी है ना। आप कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में और केंद्र में सरकार है तो नहर खुदवाइए, ये ठीक सेम सिनेरियो तो आपके साथ था, आपके साथ भी प्रदेश में और केंद्र में सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं खुदवाई? गोयल साहब बिल्कुल सही आपने सवाल किया, केंद्र में भी हमारी सरकार रही है एक समय के अंदर और यहाँ तक कि हरियाणा में और पंजाब में भी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस टाइम भी बड़ा प्रयास किया गया, राजीव लोंगेवाल समझौता जो हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था, नहर खुदाई का काम भी कांग्रेस के समय में हुआ है। हमारे साथी बोलते हैं भी हुड्डा ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी दो साहब ये देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार रही, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार रही और पंजाब के अंदर अकाली के साथ मिलकर इनकी सरकार चली, इन्होंने कहा पानी क्यों नहीं लाए, ये पानी ला सकते थे। ये छोड़िए अगली बात लीजिए, अगली बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है केंद्र सरकार भाई इन दोनों से बातचीत करके समस्या का समाधान करे, नहीं मानते पंजाब तो हरियाणा का हिस्से का पानी दिलाने का काम सरकार करे। ये पूछते भी कौन सी एजेंसी से नहर खुदवाए, एजेंसी पूछते हैं ये पता नहीं कौन सी एजेंसी है जो अरबों रुपए घोटाला करते हैं, टेंडर देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं बात को, मैं तो ये सोच रहा हूं कि नहर कैसे खुदे, उसमें खर्चा करवाना है, कौन सी एजेंसी काम करवाना है, अभी एजेंसी कहां से आ गई, तो नहर ही नहीं खुद पा रही अभी, कहां एजेंसी। यही कह रहा हूं, रुकिए ना रुकिए, हां नहर की बात चर्चा इधर से उधर हो जाती है, रुक जाइए रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। आओ प्रोफेसर साहब, आओ जरा दो और मेहमानों को शामिल कर लो। मनोज राठी मुझे ये बताइए, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे
कि भाई अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे उनके पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बता क्यों नहीं देते फिर वो, ये विवाद खत्म हो और ज्यादा सवाल तो आप ही से पूछे जा रहे हैं हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल, अरे अरे मनोज राठी को बोलने दीजिए ना, रुकिए बजरंग दास जी रुकिए, मनोज राठी से सवाल है। देखो अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से ये बात कही थी, पर मोदी जी को बुलाने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर बुलाने में क्या दिक्कत है? तो मोदी जी बुला लेते उनको, और समस्या का हल जब है चाय पे नहीं बुलाएंगे तो फॉर्मूला नहीं बताएंगे। एक बात बताओ, फिर चाय पे बुलाने में दिक्कत है कोई? मोदी जी को दिक्कत है क्या? फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँ आपको कि देखो यार बीमारी की जड़ कहाँ पर है, सबसे पहले तो अपने बीमारी की जड़ पकड़नी चाहिए। देखो एक बयान सुनो, ये मोदी जी का बयान है, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, पीसीआर थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, अभी मैं हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है। मैं जवाब मनोज जी, अभी मैं बोलिए कंप्लीट, अभी अब अभी पूरी कर देता हूँ। मोदी जी ने दादरी की रैली में ये बात बिल्कुल कहा था कि अभी मैंने काम शुरू कर दिया है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जो साफ कहने लग रहे हैं कि 70 साल पानी पाकिस्तान में जान लग रहा है, मोदी जी वायदा कर रहे हैं क्या? मुझे इतना बता दीजिए बस। मैं तो साफ एक बात कहूंगा, ये आपस में लड़ाने की राजनीति बीजेपी वाले छोड़ दे तो फायदे में रहेंगे। हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली, देखो गोयल साहब सभी को पानी की जरूरत है, और जब बीमारी की जड़ जो पाकिस्तान में जाने वाला पानी है उसको अगर रोक दिया जाएगा समस्या हल हो जाएगी, किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं तो बार बार एक बात कहूंगा, जो इस वक्त पंजाब का स्टैंड है वो ठीक है ना? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय हरियाणा प्रदेश को भी पानी की सख्त जरूरत है, राजस्थान को भी सख्त जरूरत है, और मैं तो कहना चाहूंगा दिल्ली और पंजाब को भी जरूरत है। फिर तो बीमारी की जड़ है मनोज राठी, 19 लाख रजवंत और ऐड कर लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा चौहान साहब। रजवंत, ये जो इस वक्त चल रहा है भाई, ज्यादातर अब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का बेटा बताते हैं तो उनको इसमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरी ओर जो राजनीति हो रही है उसमें ये कि भाई हरियाणा का अपर हैंड है कोर्ट से लेकर के हर जगह तक, तो इसमें इसमें अब ऐसा मौका है कि ये पानी मिल जाना चाहिए, दिक्कत कहां लग रही है? देखिए दिक्कत होती है, आज सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए नवंबर 2016 में फैसला आया था, 6 साल लग गए, और 6 साल में भी अगर हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है और हमें पंजाब का स्टैंड जो है पहले से क्लियर मिला हुआ है कि वो पानी देने के लिए पूर्णतः मना कर रहे हैं, और मना करने के बावजूद भी हम उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से बात सिरे चढ़ जाए, और अगर नहीं हो रही तो आगामी जो तारीख है उसके बाद कोई भी आदेश आता है उस आदेश की पालना करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, केंद्र सरकार ही मध्यस्थता कराने का काम कर रही है। अगर ये काम नहीं होता है तो 19 को जो तारीख है उस तारीख के बाद केंद्र सरकार अपना काम करे, और जो आदेश की पालना करने का काम है यहाँ पर हरियाणा सरकार अपना कंटेम्प्ट डाले, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आदेश की पालना करे, चाहे वो किसी से भी बीआरओ से खुदाई करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स लगा के खुदाई करे, नहर की खुदाई तो कराना जिम्मेदारी बनती है ना। जब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और अगर उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, मैं इससे पहले नहीं जाना चाहूंगा कि किसने काम किया किसने ज्यादा किया, आज मामले की जरूरत यहां पर है कि जब फैसला आने के बाद उस फैसले को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, और जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की हरियाणा सरकार की अगर है तो कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे बढ़कर जिस भी पार्टी का उनको सहयोग की जरूरत पड़े, सभी दलों ने इस चीज के बारे में सहमति भी जता दी कि अगर हमारी सहमति की अगर हमारा कहीं सहयोग की जरूरत है तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पानी के लिए और सरकार पुख्ता इंतजाम करे। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग यहां पर बैठकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब के उन लोगों की बात मैं करूं जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम पानी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा के लोग और पंजाब की पैरवी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य पल हमारे लिए क्या होगा?
यहाँ पर आम आदमी पार्टी जब वोट लेने के लिए आती है तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा का बेटा बन जाता है, और जब हरियाणा के हक की बात आती है तो वो हमें राजनीति सिखाने लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जो चाय पे बुलाए, क्या वजह है? आपको चाय पीने की जरूरत है तो आप और कुछ करें, लेकिन हरियाणा के हकों के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एक बार आपको मजा चुका चुके, हरियाणा में आपको राजनीति करनी है, राजनीति अगर आपको करनी है तो SYL के पानी को लाकर और फिर उसके बाद जनता के बीच में जाए, जनता आपको सरमाथे पर बैठाएगी। आप कम से कम प्रयास तो करें, खाली वोटों से कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप देख रहे हैं कि घूम फिर के जो बोल है वो आपके पाले में, कोर्ट आपके पाले में, जो गेंद है आपके कोर्ट में आती हुई दिख रही है, यानी जो करना है आप लोगों ने करना है। देखिए वरुण भाई, जो गेंद हमारे पाले में है उसमें से रास्ता निकालने का काम निश्चित तौर पर हमारा है। उस बॉल को हम गोल पोस्ट तक लेकर जाएंगे और हरियाणा की धरती को, दक्षिण हरियाणा के प्यासे खेतों को सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी ब्यास का पानी दिलवाएंगे। हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हरियाणा के लोगों को आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अजीबोगरीब तमाशा हो रहा है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा के, वे कई दशक से पानी के इंतजार में तड़प रहे हैं। आम आदमी पार्टी का संयोजक अपने आप को हरियाणा का बेटा कहता है, वह व्यक्ति कोई जादुई फार्मूला अपनी जेब में लिए घूम रहा है और उस आदमी की जिद देखिए, गिरावट की हद देखिए कि उसने एक चाय के प्याले के चक्कर में लाखों क्यूसेक पानी हरियाणा का और हरियाणा की जिंदगानी, हम जीवन रेखा कहते हैं SYL को, हरियाणा की जिंदगानी, हरियाणा के पानी को अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के साथ एक प्याला चाय पीने के लोभ में दाव पर लगा रहे हैं। ये तमाशा है कि नहीं है? चाय प्रधानमंत्री के पास पीकर जो फार्मूला बताया जा सकता है, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में पार्टी नहीं है, पार्टी है पंजाब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र के जलशक्ति मंत्री के साथ बैठे थे, अरविंद केजरीवाल ने यह राजनीतिक पाप क्यों किया कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है, वो उन्होंने छिपाकर क्यों रखी, वो काहे नहीं थमा दिया अलादीन का चिराग भगवंत सिंह मान को, वो कल की मीटिंग में कह आते और मैं उनको निमंत्रण देता हूं। भगवंत मान को नहीं देना ना, उनको लगता होगा कि भगवंत मान को दे दिया तो शायद कोई उनका, उनको क्रेडिट मिल जाए। अरविंद केजरीवाल नाम के झूठों के सरताज को मैं खुला निमंत्रण देता हूं, सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर खुद पेश हो जाएं और कह दें एफिडेविट देकर कि ये रहा फार्मूला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस रास्ते से समाधान हो जाएगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, सब तमाशा कर रहे हैं, हरियाणा की छाती पर मूंग दल रहे हैं और ये सिलसिला अदालत में निपटा लिया जाएगा। अदालत के आदेश की छड़ी अंततः हरियाणा को पानी दिलवाएगी। ठीक है, रही बात हरियाणा की, रही बात हमारी पैरवी की, जो रजवंत जी ने कहा, रजवंत जी को, और रजवंत जी को नहीं अकेले, मैं सभी राजनीतिक दलों को, हरियाणा के, हरियाणा की जनता को ये इस बात के लिए आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमने बेहतरीन ढंग से पैरवी की तो जाकर मामला यहां तक पहुंचा कि पंजाब का जल संधि निरस्त करने वाला असंवैधानिक कानून सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ा दिया। हमारे हक में जो निर्णय दे रखा है उसको यथावत रखा, तो हम पैरवी अब भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था पंजाब को और हड़का कर दिया था, धमका कर दिया था कि आप आते क्यों नहीं मीटिंग में, और उन्होंने कहा था हम आएंगे, वो आए हड़काने धमकाने के बाद, उन्होंने फिर वहां राजनीतिक तमाशा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री तो रंगकर्मी रहे हैं ना, तो वो उन्होंने हास्य कलाकारों वाली बात कर दी कल भी। आप पता नहीं वरुण भाई हंसे के नहीं इस बात पे, गंगा कैसे बहती है पहाड़ से नीचे की तरफ, जमुना कैसे बहती है पहाड़ से नीचे की तरफ, पानी कैसे बहता है ऊंचाई से नीचे की तरफ। पंजाब के रंगकर्मी, हास्य कलाकार मुख्यमंत्री कल ये कहते सुने गए कि जमुना के पानी को उल्टा बहा के पंजाब ले जाओ। तो इस तरह के राजनीतिक छिछोरों से हमारा पाला पड़ा है। सर, भाषा मर्यादा बनाकर, माफी चाहता हूं, मुख्यमंत्री हैं चुने हुए, माना करिए, नहीं
चुने हुए मुख्यमंत्री को हरियाणा के अगर कोई मखोलिया बात करेगा तो उसको मखोलिया कहा जाएगा, उसको एक छोटी सी बात, आखिरी एक टिप्पणी मुझे कर लेने दीजिए। जब ये पंजाब से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का रोना रोते हैं ना वरुण भाई, तब मैं इनसे पूछता हूं कि पंजाब का अगर 5-6 हजार क्यूसेक पानी हर दिन पाकिस्तान में बहकर जा रहा है जो कि पंजाब में रुकना चाहिए, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को यह कहने का हक किसने दे दिया, अरविंद केजरीवाल को यह कहने का हक किसने दे दिया कि पंजाब के पास तो पानी ही नहीं है देने के लिए। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे पूछिए, केवल एक सवाल मनोज राठी से पूछता हूं। मनोज राठी भाई, अगर ये जो पंजाब से पाकिस्तान जा रहा पानी यही समाधान है आपकी नजर में, तो क्या आम आदमी पार्टी ने यह तय कर दिया है कि रावी ब्यास के पानी पर क्लेम छोड़ रहे हो? बॉर्डर अपने हक बॉर्डर का मामला है सामने, ये तो आप लोग रोकना चाहिए, सेंटर को रोकना चाहिए, बॉर्डर पे लेना देना पंजाब रावी ब्यास का पानी छोड़ दिया था आप लोग लड़ाई का काम करते हो पंजाब आपको राज्य सरकार नहीं रोक सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बड़ी देर से बजरंग दास जी इंतजार कर रहे, दोनों रुक जाइए। हाँ जी बजरंग दास जी बताइए क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हिसार और हरियाणा का बेटा है, और हरियाणा में जब भी अरविंद केजरीवाल जी आते हैं अपने आप को किसान का सबसे बड़ा अध्यक्ष बताते हैं कि किसान के अध्यक्ष है, किसान के लिए हम ये योजना लेके आएंगे, किसानों को हमारी सरकार आने पर हरियाणा में ये रियायतें देंगे। मगर जब पंजाब में जाते हैं वहां कहते हैं भाई हरियाणा को देने के लिए हम सरप्लस पानी नहीं, और जब यहां पूर्वी इलेक्शन था दो बार भगत मान जी हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर आए, अरविंद केजरीवाल जी दो दिन रुके, पत्रकारों कई सवाल पूछे जिसके अंदर जनता टीवी वाले भी थे आपके रिपोर्टर, उन्होंने भी सवाल पूछे मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। राठी साहब मेरे छोटा भाई है, मेरा अजीज है, मेरा साथी भी है, मैं एक बात बता चाहता हूं भाई राठी साहब, आप लोगों को बात करनी चाहिए। भगवत मान जी दो बार आए हरियाणा में, हिसार में तीन दिन रुके, दो दिन एक दिन पहले बार रुके, एक दिन फिर आए, आप लोगों को उनसे बात करनी चाहिए भाई हरियाणा का हिस्सा पानी का जो सिस्टम है वो सिस्टम बनाए, वो सिस्टम दे। एक भगत मान जी गलती और भी है, वो क्या कहते हैं पंजाब में चंडीगढ़ तो हमारा हरियाणा को हिस्सा नहीं। मेन बात कहां टकती है, जहां प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वोट लेने के लिए जो झूठी बात करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, 70 साल एक बात सीख रखी है, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है मैंने उसको उजाड़ना है। आप वो क्या बोलते हैं, 70 साल में पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाए, मैं पानी रोक कर हरियाणा की धरती को पानी दूंगा। मोदी जी कहां चले गए, तो चुनाव में वोट लेने की राजनीति करते थे, हरियाणा के वोट लेने इसलिए लोग गुमराह करते थे। मोदी साहब को भी भगवत मान जी बार बार यही तो बात कहते हैं। एक बार सुनिए गोयल साहब, जब विधानसभा सेशन था पिछले
पांच साल छह साल पहले जब हुड्डा साहब ने स्पष्ट कहा था, मनोहर लाल जी आप प्रधानमंत्री टाइम लीजिए, सभी राजनीतिक दल कांग्रेस है निलो है सब पार्टी आपके साथ आएगी, प्रधानमंत्री बात करेगी, जब अगर पंजाब सरकार नहीं बनती तो केंद्र सरकार को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो अपना तो प्यार से मनाए जबरन मनाए नहीं पड़े, वो मतलब हरियाणा का हिस्से का पानी देना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ किसान के लिए जीवन मरने का सवाल है, पानी नहीं मिलेगा तो हमारा हरियाणा में फसल कैसे होगी, कैसे जीरी होगी, कैसे कपास होगी, कैसे होगी, आगे, बात आगे कैसे पानी मिलना चाहिए, दिक्कत है। मतलब ये केंद्र सरकार को भी सोचने की बात है, गोयल साहब एक राजनीति हो रही है, ये वोट की खेती की जा रही है, रजवंत बजरंग दास जी आपकी बात देखिए, ये विषय उठाने के लिए तो चर्चा करते हैं ना, आपने विषय उठा लिया, मीटिंग तो है कुछ भी मीटिंग में होने जा रहा नहीं, कल भी शास्त्री जी कहा था, मैंने खुद कहा था, शास्त्री जी खुद बोल रहे थे मीटिंग में कुछ आने जाने को, आप खुद बोल रहे बजरंग दास जी, ठीक है रुकिए ना, पानी कौन दुआएगा, केंद्र सरकार देगी दुआ, बजरंग दास जी सरकार पानी नहीं छोड़ जी, बात आ गई ना उसे बार बार घुमाइए मत, आपकी बात आ गई, रुक जाइए रुकिए बजरंग दास जी, रुकिए रुकिए रजवंत बोलिए। देखिए वरुण जी जो बात कह रहे हैं गर्ग साहब की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात रखी थी सर्वदलीय बैठक की, असल में ये बात रखी थी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, एसवाईएल के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमेशा मामले उठाए हैं विधानसभा में भी, और खुद मुख्यमंत्री जी से कहा था कि सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय लूंगा, आज तक प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुख्यमंत्री जी नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई दोराय नहीं है और ना ही हमें ऐसा कोई शौक है प्रधानमंत्री जी मिलने का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हरियाणा का पानी हरियाणा के हकों का पानी अगर उसकी जनता को नहीं मिलता है तो ये उसके लिए बड़ी दिक्कत आती है। आज हम बात करें तो हरियाणा में दक्षिण हरियाणा की बात करें तो 113 जोन है जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में है और उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बैठकर राजनीति करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक चाय का कप पिला दो तो हम सूत्र बता देंगे, और बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम क्यों बुलाएं, अगर एक चाय की बात है तो ये भी अपनी मतलब राजनीति हो गई ना, ये दो तरफा बातें करते हैं उसके खामियाजा हरियाणा की। रजेंद्र भाई क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई सूत्र है, पहले तो मुझे बताइए कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है, राजनीति कर रहे हैं चले जवाब ले रहा हूं मैं, समय थोड़ा कम हो जाता है ना, चौहान साहब जवाब दीजिए। देखिए वरुण भाई एसवाईएल नहर ना तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जैसे कसी लेकर सड़क खोदने गए थे उस रास्ते से बनने वाली है, और ना ही एसवाईएल नहर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री जी द्वारा चाय पिला देने से बनने वाली है। SYL नहर बनेगी अदालत के आदेश की एग्जीक्यूशन से। एक मिनट रजवंत जी सुनिए, मैंने आपकी सुनी, आपने कहा मैं उस पर उत्तर दे रहा हूं केवल। SYL बनेगी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे चुका है, आप सब भी कह रहे हैं, मुझे भी मालूम है, वरुण जी को भी पता है, परंतु जब कोई आदेश देती है अदालत उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन डाली जाती है, वो विचाराधीन है अदालत में, उस पर निर्णय आ जाएगा दो दिन नहीं तो चार दिन नहीं तो चार हफ्ते में, बहुत लंबा ये चलने वाला नहीं है। हम कायदे से पैरवी कर रहे हैं, बैठ के हमने भगवंत मान के साथ इसलिए की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वरना वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते ये बात नहीं करते। हमने पंजाब को बेनकाब किया है कि वो अदालत में कुछ कहता है अदालत से बाहर कुछ कहता है। पंजाब इस मामले में 2002 में चार एक बार और एक मिनट रजवंत भाई एक सेकंड रजवंत भाई, पंजाब
दो में चार में सोलह में पिट चुका है, अब फिर पिटने वाला है। नहीं नहीं, अरे पिटना क्या, रास्ता निकला है ना, पिटने वाली क्या बात है। अंत तो गत्वा हरियाणा को पानी मिलेगा, तय मानिए। मैं केवल मनोज राजपूत सरकार थी ना, दो वाक्य केवल। मैं मनोज राठी अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान जाने वाला पानी भी लेकर आना है हरियाणा, वो एडिशनल होगा, एसवाईएल वाला नहीं होगा, वो रावी ब्यास का नहीं होगा, अगर वो भी लेकर आना है तो नहर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो नहर बनाने की हां भरिए। और सीधा सा सवाल अरविंद केजरीवाल से भी और मनोज राठी से भी, सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरा सवाल ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता के तू खुद खड़ा है किधर, इधर उधर की ना बात कर, ये बता खुद खड़ा है किधर। हरियाणा के हक की बात बोलो मनोज राठी, हरियाणा के हक की बात बोलो अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के हक की बात बोलो, हरियाणा के हक की बात बोलो, गुमराह मत करो, हरियाणा के लोगों को गुमराह मत करो। पहले तो बात नहर खोदने की है ना, पहले नहर खुदाई की बात है ना, तो नहर खोदने की बात हो रही है भाई, पानी में बंटवारे की बात है ना, पहले नहर खुदे, ना भारतीय जनता पार्टी खुदनी है ना, पंजाब को देनी है, खोदा पंजाब ही है, इसमें तो राजनीति चलेगी, वोट की खेती होनी है, कोई कर लो और कुछ नहीं है। एक पार्टी ने आपने देख लिया, वो कहते हैं पानी लाऊंगा 70 साल से, पानी कोई नहीं रहा, मोदी साहब मैं पानी ला के दूंगा। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही है। आपसे आरोप पर क्या आरोप हो रहे हैं, वो एक अजीब सी बात है, क्योंकि एसवाईएल के मुद्दे पे हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों को सबसे पहले एकजुट दिखना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। आप सारे मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।